सुप्रभात बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन वंदे मातरम के बारे में पढ़ा था। उसकी हिंदी करने के बाद आज हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग करने हैं, जैसा कि पिछले साल आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, देखिए ध्यान से। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मातरम पदम कस्य प्रयुक्तम, मातरम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारताय, भारत के लिए। सर्वे अस्मिन् विश्वे कस्य लोकप्रियता अस्ति, सारे देश में किसकी लोकप्रियता है? योगस्य, योग की। विदेशेषु जना काम भाषा शिक्षित्वा सव ज्ञानम वर्धयन्ति, विदेशों के लोग कौन सी भाषा सीखकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को सीखकर वो क्या करते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। विद्यालय छात्रा किम गीतम गायन्ति, विद्यालय की छात्राएं क्या गीत गाती हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम का गीत गाती हैं। का स्वदेशस्य विषय ज्ञातुं वांछति, सभी कौन अपने देश का, मैंने कौन अपने देश के विषय में जानना चाहती है या चाहता है? राधिका। एक पद के बाद आप पूर्ण वाक्य में लिखना है आपको, जैसा मैंने आपको नोटबुक में नोट करके दिया, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन आंसर करने। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतम अस्माकं कृते का अस्ति, भारत हमारे लिए क्या है? भारतम भारत, अस्माकं हमारे, कृते लिए माता पिता, बंधु मैंने भाई, सखा मैंने मित्र है। भारत हमारे लिए माता पिता भाई मित्र है। संस्कृत कीदृशी भाषा अस्ति, संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृतम प्राचीना प्राचीन, पवित्रा पवित्र, समृद्धा समृद्ध, वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति और वैज्ञानिक भाषा है। भारते कौ विश्वविद्यालय आस्ताम, भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? भारते तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय आस्ताम, भारत में दो विश्वविद्यालय जो थे वो है तक्षशिला और नालंदा। भारते विदेशेषु च जना केषु विषयेषु शोध कार्यं कुर्वन्ति, भारते भारत के, भारत में और विदेश के जो लोग थे वो किनके विषयों पर शोध कार्य करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, खोजबीन करते थे? किन विषयों पर? विज्ञान और चिकित्सा। किन विषयों पर करते थे? विज्ञान और चिकित्सा पर अपने शोध कार्यों को करते थे। संस्कृतम काशाम जननी अस्ति, संस्कृत जो है किसकी जननी है? संस्कृत किसकी जननी है? संस्कृत विश्व की और अनेक भाषाओं की जननी है। संस्कृत से जो है विश्व की और अनेक भाषाओं की क्या है? जननी है, उत्पन्न हुई है। आगे देखिए, रेखांकित पदानि, रेखांकित पद को के अनुसार आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। हमारे देश की संस्कृति श्रेष्ठ है, अस्माकम हमारे देश की संस्कृति कैसी है? जना लोग संस्कृत से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। के कौन संस्कृत से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, संस्कृत में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं? विदेशेषु विदेशों में अपि भी लोग संस्कृत को पढ़ते हैं, विदेशों में भी लोग कि मैंने क्या पढ़ते हैं? प्रश्न निर्माण, जब भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न निर्माण आए तो आपको प्रश्न बनाते हुए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको प्रश्न निर्माण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है।
बाला गुरुकुले शिक्षाम अविदन, बच्चे गुरुकुल में शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बाला कुत्र कहाँ शिक्षा को प्राप्त करते हैं। संस्कृत प्रत्येक स्तंभात पदानि गृहीत्वा वाक्यानि रच्यते। संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। वंदे मातरम श्रावे, वंदे मातरम सुनाओ। विश्वस्य भाषासु संस्कृत शब्दा संति, विश्व की भाषाओं में संस्कृत शब्द हैं। विद्वांशः संस्कृत ग्रंथान पठन्ति, विद्वान संस्कृत ग्रंथों को पढ़ते हैं। छात्रा गुरुकुलेषु अपठन्, छात्र जो है, बच्चे विद्यार्थी जो हैं, गुरुकुल में पढ़ते थे। संस्कृत में अनुवाद करना है, अभी संध्या समय है, अभी मैंने इदानीम, संध्या मैंने सायंकाले, अस्ति मैंने है। यह मेरी प्रिय पुस्तक है, एतत् मम प्रिय पुस्तकम अस्ति, यह मेरी प्रिय पुस्तक है। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, अहम आपके मैंने भवतः, विषय में विषय जानना मैंने ज्ञातुं वांछामि, अहम भवतः विषय ज्ञातुं वांछामि। भारत की संस्कृति प्राचीन है, भारतस्य संस्कृति प्राचीना अस्ति। संपूर्ण विश्व में लोग योग करते हैं, संपूर्ण विश्व जना योगा कुर्वन्ति। क्या तुम संस्कृत जानते हो, किम त्वम संस्कृतम जानासि। इससे बच्चों आपको ये संस्कृत बनाने में कुछ हेल्प होगी, तो ध्यान से इसे करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द, जननी मात्रम, संसारस्य विश्वस्य, अधुना इदानीम, गंभीरम गहनम, वसुधा भूमि। ये एक्सरसाइज आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम बुक एक्सरसाइज पे चलते हैं। बुक एक्सरसाइज जैसे आपको फिल कराई गई है वैसे ही फिल करनी है, बुक में ही करनी है इसको, नोटबुक पे नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, शब्द रूपाणी पूर्यत, जैसे पिता का रूप है पिता, पित्रौ पित्रः प्रथमा विभक्ति द्वितीय, मात्रै मात्रौ मात्रै तृतीय, जगता जगद्भ्याम जगत भी, विद्वान विद्वांशो विद्वांश, महान महानो महांत। ये आपको आगे समझने में सेकंड व्याकरण में आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन, धातु रूपाणी पूर्यत, लट लकार प्रथम वांछति, वांछति वांछत वांछति। इसी तरह लंग लकार का मध्यम अभव अभवतम अभवत, उत्तम अविंदम अविंदाम अविंदाम, प्रथम नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु, अकरो अकुरुतम अकुरुत, उत्तम उत्तम पुरुष श्राव्याणी श्राव्यावय। थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ, वह कर लेना, बुक में गलत है, श्राव्याम। अब देखिए इन पदानी की हेल्प से, बॉक्स में जो दिया हुआ है इनके हेल्प से हमें जो नीचे है इसे फिल करना है। ध्यान से देखिए, संस्कृतम संस्कृत विश्व की प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा आ जाएगा इसमें, भाषा है। अनेकों भाषाओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग भवती होता है। संस्कृत साहित्य अनेके ग्रंथा संति, संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ हैं। विविधा विभिन्न प्रकार की, सुक्त्या सुक्ति सुंदर शब्द श्लोक कहते हैं जिसे, संति हैं या भी जो अस्माकम हमारा मार्गदर्शनम भवति, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।
लास्ट में यार।